नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राणेजा इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष को देव कहा गया है। स्वयं कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। जिसने भी इस वृक्ष की सेवा श्रद्धा भाव से की है, उसे लाभ की अनुभूति अवश्य हुई है। विज्ञान के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि पीपल के वृक्ष में 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हर गांव में पीपल या बरगद का पेड़ लगाने की परंपरा विकसित की थी, ताकि गांव का वातावरण स्वच्छ एवं शुद्ध रहे और सभी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सके। आधुनिक नवयुवक हमारी प्राचीन परंपराओं को रूढ़िवादी एवं ढकोसला बताकर खारिज कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि गांव की अपेक्षा शहरों में अस्थमा के रोगी अधिक हैं। घर में पेड़ पौधों का होना आवश्यक है, लेकिन कई बार ऐसे पेड़ पौधे उगाते हैं जिन्हें घर में नहीं बल्कि बाहर होना चाहिए। इन्हीं में से एक पौधा है पीपल का। कई बार घर में या घर के गार्डन में पीपल का पौधा अपने आप उग जाता है। ये 4 मंजिला दीवारों पर भी उग जाता है। और कहीं इसी वीडियो में आप देखेंगे कि पीपल का पेड़ जो है वो ब्रिज के ऊपर लगा हुआ है। ये अपने आप उग जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार घर में पीपल के पौधे का उगना और घर पर पीपल की छाया का होना अच्छा नहीं माना गया है। यदि पीपल का पौधा उग गया है तो उसे निकाल कर किसी गमले में शिफ्ट कर दीजिए। पीपल के वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। अक्षय यानी ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसके पत्ते जो हैं कभी समाप्त नहीं होते। पीपल के पत्ते इंसानी जीवन की तरह हैं। पतझड़ आता है तो झड़ने लगते हैं, लेकिन कभी एक साथ नहीं झड़ते। फिर पेड़ पर नए पत्ते आकर पेड़ को हरा भरा बना देते हैं। पीपल की ये खूबी जन्म मरण के चक्र को भी दर्शाती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर तपस्या की जाए, महात्मा बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्हें सच्चाई का बोध हुआ था। प्राचीन समय में ऋषि मुनि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही तपस्या करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इसके पीछे ये माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञ या अनुष्ठान करने का फल अक्षय होता है। वो फल कभी खत्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में पीपल का पेड़ स्थापित करता है और नियमित रूप से जल का सिंचन करता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। उसे आजीवन ना तो आर्थिक समस्या रहती है, ना ही कोई अन्य दुख सताता है। किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। वृक्ष जैसे जैसे बड़ा और विशाल काय होता जाता है, उसका जीवन खुशहाल, परिवार फलता फूलता जाएगा। ऋग्वेद में पीपल के वृक्ष को देव रूप में दर्शाया गया है। यजुर्वेद में हर यज्ञ की जरूरत पीपल को बताया गया है। पीपल की शमी यानी पीपल की लकड़ी को यज्ञ में इस्तेमाल किया जाता है। अथर्ववेद में इसे देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ। इसका उल्लेख बौद्ध पौराणिक इतिहासों के साथ साथ रामायण, गीता, महाभारत सभी धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे एक अनूठा वृक्ष भी कहा है, जो दिन रात यानी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। प्राण वायु है ऑक्सीजन, और प्राण वायु सिर्फ पीपल ही देता है, यानी देते हैं पर ये 24 घंटे। बाकी के पेड़ भी ऑक्सीजन देते हैं, पर वो सिर्फ दिन में देते हैं, और रात्रि में वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। बाकी पीपल का पेड़ जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। शायद इसीलिए इस वृक्ष को देव वृक्ष का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको व्यापार में तरक्की और नौकरी में प्रमोशन चाहिए, तो किसी तालाब के किनारे या मंदिर में पीपल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। उस पीपल की सेवा करनी चाहिए। अगर आपको पैसा आपके पास नहीं टिकता है, तो शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता लें जो कि गिरा हुआ हो। उस पत्ते को लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। उस पत्ते को मूर्ति से स्पर्श कीजिए। उस पर सिंदूर जो लगता है, उस पत्ते को आप डबल करके धन की तिजोरी में रख दें। आपके जीवन में धन सदा स्थायित्व बना रहेगा।
अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अधिक से अधिक पीपल लगाएं और पीपल की सेवा करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आपका जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।